इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज जगदीशपुर थाने से आ रही है। मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन वहीं कुछ देर पहले उनके घर पे जो पैतृक स्थान है वहाँ पे मूर्ति जब्त की गई थी, और उसी वक्त खबर आया कि मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। तो चलिए वहाँ की दृश्य दिखाते हैं और वहाँ के पदाधिकारी लोगों से भी बात करते हैं। एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, और साथ ही साथ बेतिया जिले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था, और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया। तो लगातार यूएई के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। हम लोग चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर उनका सरकार बचाना है, बच्चा ना इसके अंदर इतना पावर है, लेकिन कोई बिहार का लाल नहीं है तो नहीं समझता मेरा पावर का। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, अगर उसके उद्यालय पूछने के लिए क्षेत्रीय तो क्या करेगा, ये जंगल आदमी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करा दे, आदमी को नहीं मिलता है, ठीक है, क्या बोलेगा, हम पूरा इंडिया को क्या क्यों हो रहा है बताइए, ये इसलिए हो रहा है कि मनीष कश्यप 2024 में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संसद में आएंगे वो, इसलिए हो रहा है कि उनको जेल में कर दिया जाए, ना रहेंगे वहाँ, ना रहेंगे वहाँ सुनाबाजी की बात, लेकिन हम लोग ऐसा होगा करेंगे तो करेंगे, ठीक है, यहाँ के लिए आप लोग क्या करिएगा, अरे क्या करना है, जान देना, जान को जान दे देंगे सबको, लोगों ने कहा समर्थन नहीं आए हुए हैं, थाना पे कर रहे हैं, अगर मनीष कश्यप के लिए हम लोग जान देने के लिए जान देने का क्यों जानते हैं, कब से जानते हो,